हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैफी बाई केएम सर में। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको वैसे भी फिजिक्स मैथ क्लासेस रेगुलर मिल रही होंगी अपनी क्लासेस की, 11th 12th दोनों की। तो उसी के अंडर में आपको पता है कि ड्यू टू कोविड-19 आपका जो सिलेबस है वो 30% डिक्रीज किया गया। उसको हम बात कर लेते हैं, क्या न्यू सिलेबस है आपका। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा जो जारी किया गया सिलेबस है मैं वही आपको दिखाऊंगा, ऑफिशियल। ठीक है, कोई भी फेक नहीं है। तो आप देखते हो इंटरमीडिएट परीक्षा का सिलेबस है ये, क्लास 12th का। आइए बात कर लेते हैं क्या है सिलेबस में। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान कक्षा 12 पूर्णांक 100। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय में से पठन पाठन, आपको जानते हो कि कॉलेज बंद है, स्कूल्स बंद है, तो उसकी वजह से समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो यहाँ पे आपके जो सिलेबस है मैं उसको पहले शॉर्ट में कर देता हूँ, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक रखा गया है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो आप पहला देखो जो इकाई यानी कि चैप्टर फर्स्ट है, स्थिर वैद्युतिकी। एक शमन आवेशित पतले गोली खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, गाउस के नियम, ये मेन टॉपिक है आपका। इसके अंडर भी कुछ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको हम बात कर लेते हैं अभी आगे। इकाई जो चैप्टर 2 होगा वो धारा विद्युत है, उसमें कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड और प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पाषाणक्रम संयोजन। इकाई 3 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जिसमें चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी कि क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, चुंबकीय अव्यय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरणों सहित विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक स्थायी चुंबक। और जो चैप्टर 4 है वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, उसमें से शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। जो चैप्टर 5 है उसमें से वैद्युत चुंबकीय तरंगे और विस्थापन धारा की आवश्यकताएं। ठीक है, ये आपका पार्ट फर्स्ट हो गया, खंड क हो गया, इसमें से ये चीजें हटाई गई हैं। और लगभग खंड ख में इकाई फर्स्ट यानी कि चैप्टर फर्स्ट में प्रकाश की जो आपका चैप्टर है लाइट वाला, उसमें से गोली दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताव, दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी का विभेदन क्षमता, ध्रुवण समतल, ध्रुवित प्रकाश, ब्रास्टर का नियम, समतल ध्रुवित, ये सब टॉपिक जो है ये सब है। चैप्टर 2 में द्रव्य तथा विकिरणों के द्वैत प्रकृति, डेविशन तथा जर्मर प्रयोग। चैप्टर 3 में है परमाणु तथा नाभिक, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा कण, किरणें और इनके गुण, रेडियो एक्टिव 6 नियम, बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन। और आपका लास्ट चैप्टर जो है इसमें है इकाई 4 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक होती है, जेनर डायोड, वोल्ट का नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये सब है इसमें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि आपके जो मार्क्स डिवाइड किए गए किस आधार पर, किस चैप्टर को कितना इसमें वेटेज दिया गया उसको देख लेते। तो आपको देख सकते हो जो स्थिर विद्युत के वो उस पर 8 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। धारा विद्युत जो आपका चैप्टर 2 था खंड का, उसमें 7 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप वेटेज देख लो कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। धारा का चुंबकीय प्रभाव में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं में 8 नंबर क्वेश्चन, और सबसे जो कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे में, जिसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग 35 नंबर का जो पार्ट फर्स्ट होगा खंड का पूछा जाएगा, और लगभग 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। खंड का में भी इसी तरह देख लेते हैं, इसमें देख लीजिए आप प्रकाश की जो लाइट वाला चैप्टर है उसमें से 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है। द्रव्य और त्वरित प्रकृति 6 नंबर, परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो इस लास्ट चैप्टर है उसमें 8 नंबर, यानी कि टोटल खंड ख भी आपका 35 नंबर का ये भी हो जाएगा। तो 35 35 70 और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी कि आपका 100 टोटल हो गया। तो इस तरह से आपका मार्क्स डिवाइड होता है, आपको पता भी होगा। अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं आपके में वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। आप फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलामो, ये सब आपको पढ़ाया भी जा चुका है, ये सब टॉपिक आपके हो भी चुके हैं। बिंदु आवेश के बीच बल, बहुत आवेशों के बीच बल यानी कि कई आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण, ये सब आपका हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके क्लास ले सकते हो। विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र,
एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण विद्युत फ्लक्स ये सब कुछ हो गया है। गाउस का नियम जो आपका है प्रकृति तथा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार एक समान आवेशित अनंत समतल चादर वैद्युत विभव विभवांतर किसी बिंदु आवेश के कारण विभव वैद्युत द्विध्रुव आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव समविभव पृष्ठ भी आपको बताया सब कुछ एक एक टॉपिक बताया गया है। ठीक है जैसे जैसे ये टॉपिक्स है वैसे वैसे आपकी क्लास भी हुई है। दो बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा चालक तथा विद्युत रोधी किसी चालक के भीतर युक्त आवेश तथा बद्ध आवेश परावैद्युत पदार्थ तथा वैद्युत ध्रुवण संधारित तथा धारिता श्रेणीक्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्वों का संयोजन अभी हाल ही में पढ़ाया गया। पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा न होने पर किसी समांतर पट्टिका संधारित की धारिता संधारित में संचित ऊर्जा ये जो है ये टॉपिक्स हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के जो लगभग लगभग पूर्णतः कंप्लीट किए जा चुके हैं। आपको जो सेकंड चैप्टर है वो धारा विद्युत उसके भी टॉपिक्स आपको दिखा देते हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड टॉपिक में जो जो टॉपिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो विद्युत धारा आपका जो फर्स्ट चैप्टर जो चैप्टर का नाम है धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह ठीक है अपवाह वेग जो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है गतिशीलता तथा इनकी विद्युत धारा से संबद्ध ओम का नियम वैद्युत प्रतिरोध जो आपका ग्राफ में डिजाइन करते हो उसको भी देख लीजिए। विद्युत ऊर्जा और शक्ति वैद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता प्रतिरोध की ताप निर्भरता शैलों का आंतरिक प्रतिरोध शैल का EMF यानी कि विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर शैलों का श्रेणीगम तथा समांतर संयोजन अभी आपने वहाँ पे भी देखा श्रेणी और समांतर यहाँ पे शैलों का समांतर और श्रेणीगम किरचॉफ का नियम अभी तथा इसके अनुप्रयोग वी टू स्टोन सेतु अभी कल ही पढ़ाया गया। ठीक है मीटर सेतु है विभव मापी सिद्धांत विभव विभवांतर एवं दो शैलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए इसका अनुप्रयोग तो ये सब आपको लगभग आपका वी टू स्टोन सेतु हो गया है कई चीज़ें हो गई हैं तो ये सब आप देखते रहो ये सब टॉपिक्स हैं आपके में चैप्टर टू में। थर्ड चैप्टर जो है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और तथा चुंबकत्व जिसमें जो आपको पूछा जाएगा जिसमें से जो आपके पार्ट्स हैं चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना ऑस्टेट का प्रयोग बायोसेवर्ट का नियम ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है धारावाही लूप में इसका प्रयोग एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार तथा वृत्ताकार कुंडली में अनुप्रयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा आप डेफिनेशन निकाल सकते हो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव चल कुंडल गैल्वेनोमीटर इसकी धारा सुग्राह्यता तथा इसका अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण कैसे आपको चेंज करते हैं उसको देखना है। धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसको देखना है। तुल्यांकी परिणालिका के रूप में क्षण चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आपको चैप्टर थर्ड में पढ़ना है। चैप्टर फोर की वही बात करते हैं तो यहाँ पे आपके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराओं में से क्या क्या टॉपिक्स हैं बचे हुए हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे के नियम प्रेरित EMF तथा धारा लेंज का नियम सबसे इंपॉर्टेंट भंवर धाराएं स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण प्रत्यावर्ती धाराएं यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के शिखर तथा वर्ग माध्य मूल मान ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एक नंबर पूछा जाता है। प्रतिघात तथा प्रतिबाधा LC दोलन केवल गुणात्मक विवेचन यानी कि थोड़ा सा आपको देखना है श्रेणीबद्ध LCR परिपथ अनुनाद AC परिपथ AC जनित तथा ट्रांसफार्मर कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसफार्मर से। लास्ट चैप्टर है खंड ख का इकाई 5 यानी कि चैप्टर 5 वैद्युत चुंबकीय तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे डिफिनीशन और थोड़ा उनके बारे में परिभाषा जान लीजिए तथा इनके अभिलक्षण वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम रेडियो तरंगे सूक्ष्म तरंगे औरत ये सब उसके अंदर आती हैं। ठीक है वैद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत ये परावर्तनीय क्षीण है ये सब आता है इनके उपयोग के विषय में मौलिक तथा तथ्यों सहित आपको जानकारी होनी जरूरी है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपको पता है प्रकाश की जिसमें आपको 12 से 13 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें जो टॉपिक्स हैं उनको देख लीजिए प्रकाश का अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तथा इसके अनुप्रयोग प्रकाशिक तंतु गोरी पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस पतले लेंसों का सूत्र लेंस मेकर सूत्र ये सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे थोड़ा सा इसमें और पढ़ना होगा बाकी आपको बहुत सिंपल है बहुत ही सिंपल है। आवर्धन लेंस की शक्ति संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन लेंस और दर्पण का संयोजन प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण प्रकाश की यंत्र मानव नेत्र पढ़ना है आपको प्रतिबिंब बनाना कैसे समंजन क्षमता होती है किस तरह से लेंसों द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष ये सब आप पढ़ चुके हो थोड़ा सा यहाँ पे और पढ़ना है थोड़ा एक आधो डेरिवेशन भी होंगे। सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी के परावर्ती तथा अपवर्ती तथा इनका आवर्धन क्षमताएं तरंग
तरंग प्रकाश की तरंगाग्र तथा हाइगेंस के सिद्धांत एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है यह भी। तरंगाग्र के उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन, हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग आपको यूजेस पढ़ना है, तथा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का सत्यापन हाइगेंस के द्वारा कैसे किया गया उसको भी देखना है। व्यतिकरण यंग का द्विजीरी प्रयोग तथा फ्रेंच चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये जो यंग का सिद्धांत है इसको देखना है। कला संबद्ध स्रोत तथा प्रकाश का प्रतिपातित पालित व्यतिकरण एकल झीरी के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। अभी आपको ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये आपको समझ नहीं आएंगे, जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो वो अपने आप आपके डेली लाइफ में मतलब आ जाएंगे। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैतपत्ति जो आपका चैप्टर 2 है उसमें आपको देखना है। विकिरणों की द्वैतपत्ति प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ज तथा लेनार्ड प्रक्षेपण प्रेक्षण, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंग कणों की तरंगात्मक प्रकृति और डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है उसको देखना है आपको सिलेबस में, ये इंक्लूड है अभी भी। ठीक है, इसमें से आपका जो चैप्टर 3 है उसमें से आपको परमाणु तथा नाभिक में देखना है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल जो आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, बोर मॉडल आपको वहाँ पर मिलेगा, ऊर्जा स्तरण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री में भी, नाभिकों की संरचना एवं आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक संभारक, ये सब आप पढ़ भी चुके होंगे, समन्यूट्रलिंग, द्रव्यमान ऊर्जा तथा द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विघटन और शनैन, ये सब टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। लास्ट चैप्टर जो आपका है वो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं, जो भी बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक कुचालक तथा अर्धचालक अर्धचालक डायोड, अभिलाक्षणिक, इसमें आपको बहुत सिंपल चैप्टर है, ये तो एक वीक में ख़त्म भी हो जाता है। दृष्टिकारी के रूप में LED की अभिलाक्षणिक, फोटोएड और सेल, इतने टॉपिक्स आपको इंक्लूड हैं जो आपको पढ़ने हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं। ये पूरा कंप्लीट मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। प्रैक्टिकल का सिलेबस भी अगर आपको जानना होगा तो बताइए, कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये इतने सिलेबस पढ़ने हैं जिसमें 30% सिलेबस आप डिक्रीज किया गया, कोई बुक नहीं चेंज की गई, आप एक बात ध्यान रखना, कोई बुक आपकी नहीं चेंज की गई, बुक वही है, आप बस आपको टॉप सिलेबस रखना है और सिलेबस में आपको बुक देखना है। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से बुक नहीं बनाई गई क्योंकि टाइम कम है, आप देख सकते हो, तो आपको और क्लासेस आपको इसी सिलेबस के हिसाब से कराई जाएंगी, आप डेली क्लासेस लेती जाइए। बाकी इस सिलेबस का अगर किसी को PDF चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, PDF की लिंक आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।